चलिए अब हम इस टॉपिक की सेकेंड सीवी स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का एक दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाफ रिएक्शन मेथड इस मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन लेते हैं जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है और इस रेडॉक्स रिएक्शन को हम हाफ रिएक्शन मेथड की हेल्प से बैलेंस करते हैं तो इस मेथड की जो फर्स्ट स्टेप है वो हमसे ये कहती है कि सबसे पहले हमें इस रेडॉक्स रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में ब्रेक करना है या फिर सेपरेट करना है हाफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग से सेपरेट करना है और रिडक्शन रिएक्शन को अलग से लिखना है तो इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है इसीलिए हमारी जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगी एफी टू प्लस आयन एक्वस इज कन्वर्टिंग इन एफ थ्री प्लस आयन इन एक्वस स्टेट इसी प्रकार से इस रिएक्शन में डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हुआ है क्योंकि डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स से प्लस थ्री में कन्वर्ट हुआ है इसीलिए हमारी जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि एक्वस स्टेट में डाइक्रोमेट आयन जो था वो कन्वर्ट हो रहा है एकोस्टेट के सी आर प्लस आयन में तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन के लिए दोनों हाफ रिएक्शंस को इस प्रकार से सेपरेट करके लिख लिया है अब अगली स्टेप इस मेथड की हमसे ये कहती है कि अब हमें इन दोनों हाफ रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स हैं पहले वो बैलेंस करने हैं तो अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की तरफ देखें तो यहां पर दोनों तरफ आयरन का एक एक आयन ही प्रेजेंट है दैट मीनस आयरन इस रिएक्शन में ऑलरेडी बैलेंस्ड है इसी तरह से अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि एल में क्रोमियम के दो आइटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि आरएचएस में क्रोमियम का एक ही आयन प्रेजेंट है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड साइड में क्रोमियम से पहले दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे थर्ड स्टेप हमसे यह कहती है कि अगर हमारी रिएक्शन का मीडियम एसिडिक मीडियम है तो हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना है तथा हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए एच प्लस आयंस ऐड करने हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारी गिवन रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में ही हो रही है तो अब अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की ओर देखें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में दोनों ही ओर ना तो हाइड्रोजन ना ही ऑक्सीजन के एटम्स या आयंस प्रेजेंट हैं दैट मीनस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखें तो आप रिएक्टेंट्स की ओर देखोगे कि ऑक्सीजन के सात एटम्स प्रेजेंट हैं जबकि प्रोडक्ट्स की ओर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट्स की ओर सात वाटर के मॉलिक्यूल्स का एडिशन करेंगे लेकिन इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स की ओर ऐड करने पर जो हाइड्रोजन एटम है उसकी संख्या प्रोडक्ट्स की ओर चौदह हो गई है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको चौदह ही एच प्लस आयन्स रिएक्टेंट्स की ओर ऐड करने होंगे अब फोर्थ स्टेप में हमें इस इन दोनों ही रिएक्शंस में चार्ज को बैलेंस करना है चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्शन की एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करके चार्ज बैलेंस करते हैं तो अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को देखें तो इसमें रिएक्टेंट्स की ओर टोटल प्लस टू चार्ज प्रेजेंट है और प्रोडक्ट्स की ओर टोटल प्लस थ्री चार्ज प्रेजेंट है तो अगर हमें चार्ज बैलेंस करना है तो हमें प्रोडक्ट्स की तरफ एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना होगा उसी तरह से अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखें तो इसमें रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है जबकि प्रोडक्ट्स की ओर केवल 6 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन में हमें छ इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन रिएक्टेंट्स की ओर करना होगा अब फिफ्थ स्टेप में हमें इन दोनों हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने हैं जिसके लिए हम इनमें से किसी भी रिएक्शन को एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में केवल एक इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में छह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने के लिए हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अगर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे कि अब इन दोनों ही हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करके लिखते हैं और ऐड करके लिखने पर जो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमें एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी अब नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिफिकेशन के लिए इस रिएक्शन में दोनों तरफ हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स और टोटल चार्ज चेक कर सकते हैं जो कि बराबर आ रहे हैं दैट ये जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हमने बैलेंस की है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है अब अगर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही होती तो हम सबसे पहले उन सभी स्टेप्स को फॉलो करते जो अभी हमने एसिडिक मीडियम के लिए बैलेंस करने में फॉलो की हैं। बस लास्ट में जो हमारी रिएक्शन हमें मिलती उसमें जितने भी H+ आयंस प्रेजेंट होते उनके इक्वल हम उतने ही OH- आयंस दोनों तरफ रिएक्शन में ऐड कर देते फॉर एग्जाम्पल ये जो बैलेंस रेडोक्स रिएक्शन हमने ऑबटेन की है ऊपर एसिडिक मीडियम में इसमें फोर्टीन एच प्लस आयन रिएक्टेंट्स की ओर प्रेजेंट हैं अगर यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही होती तो हम इस रिएक्शन में फोर्टीन ओ एच माइनस आयन दोनों तरफ और ऐड कर देते चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है जो कि बेसिक मीडियम में हो रही है और इस रेडोक्स रिएक्शन को हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है तो इस रिएक्शन को सबसे पहले हम हाफ रिएक्शन में, तो में जैसा कि आप देख पा रहे हो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी I- माइनस इज कन्वर्टिंग इन टू आई टू उसी प्रकार MnO4 माइनस आयन का यहाँ रिडक्शन हुआ है तो हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी MnO4 फोर माइनस इन एक्स स्टेट इज कन्वर्टिंग इन टू एमेनो टू विच इज इन सॉलिड स्टेट तो अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग करके लिख लिया है अब हमारी नेक्स्ट स्टेप में हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स के आइटम्स इन रिएक्शन में प्रेजेंट हैं उनको बैलेंस करना है तो सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ केवल आयोडीन का एक ही आयन प्रेजेंट है जबकि प्रोडक्ट्स की तरफ आयोडीन के दो आइटम्स प्रेजेंट हैं तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए हमको रिएक्टेंट की तरफ आयोडीन से पहले दो का मल्टीप्लिकेशन करना होगा उसी तरह से अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखें तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मैग्नीज पहले से ही बैलेंस है क्योंकि दोनों ओर मैग्नीज का एक एक आइटम ही प्रेजेंट है अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए एच टू ओ और एच प्लस आयंस का यूज करेंगे तो सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आइटम्स या आयंस प्रेजेंट ही नहीं है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट्स की तरफ ऑक्सीजन के चार आइटम्स प्रेजेंट हैं जबकि प्रोडक्ट्स की तरफ केवल दो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट्स की ओर हमें दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो प्रोडक्ट्स की तरफ टोटल हाइड्रोजन के चार आइटम्स प्रेजेंट हैं जबकि रिएक्टेंट्स की ओर एक भी हाइड्रोजन का आइटम प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए हमें रिएक्टेंट्स की ओर चार H प्लस आय एड करने होंगे तो इस तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन रिएक्शंस में चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करेंगे तो अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की ओर टोटल चार्ज माइनस टू प्रेजेंट है जबकि प्रोडक्ट्स की ओर टोटल चार्ज जीरो है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमको प्रोडक्ट्स की ओर दो इलेक्ट्रॉन्स का यहां एडिशन करना होगा उसी तरह से अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की ओर टोटल चार्ज प्लस थ्री प्रेजेंट है जबकि प्रोडक्ट्स की ओर टोटल चार्ज जीरो है इसीलिए हमें रिएक्टेंट्स की ओर यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करना होगा अब नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों रिएक्शंस में बराबर करने के लिए हमको इन दोनों रिएक्शंस को किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसके लिए अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छह हो जाएंगे उसी तरह से अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिक्स हो जाएंगे तो इस तरह से थ्री और टू से इन दोनों रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करने पर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों रिएक्शंस में बराबर कर लिए हैं अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करके लिखेंगे और दोनों तरफ जो छह छह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख पाएंगे तो अब तक की हमारी सारी स्टेप्स एसिडिक मीडियम की तरह ही थी लेकिन यह रिएक्शन बेसिक मीडियम की रिएक्शन है और बेसिक मीडियम में जितने H प्लस आयन्स लास्ट में रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं उतने ही OH एच आयन्स हम रिएक्शन में दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो इस रिएक्शन में आठ H प्लस आयन्स थे इसीलिए हमने दोनों तरफ आठ OH एच आयन्स ऐड कर दिए हैं अब जो रिएक्टेंट्स की ओर आठ H और आठ OH एच माइनस हैं ये कम्बाइंड होकर आठ वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो इस रिएक्शन को अब हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं और आप ये देखोगे कि रिएक्टेंट्स की ओर आठ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट्स की ओर चार वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं दैट मीनस हम चार वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों ओर से कैंसिल आउट कर सकते हैं और रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अब ये जो हमारी फाइनल रिएक्शन है ये पूरी तरह से एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है एंड अंत में हम इस बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को वेरीफाई भी कर सकते हैं वो हम जानते हैं कैसे करते हैं हम हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ काउंट करेंगे और दोनों तरफ रिएक्शंस का टोटल चार्ज भी देखेंगे जो कि दोनों ओर हमें बराबर मिलेंगे दैट मीन्स ये रिएक्शन एक वेरीफाइड बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन